भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुरादाबाद जनपद में सुशासन दिवस मनाया गया। इस दिवस के अवसर पर शहर के कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षक शिक्षिकाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूल अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि दी और ये कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इस अवसर पर शहर के कई स्कूलों में भी प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई गई जिन्हें बच्चों को अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। मुरादाबाद के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। शहर के कई स्कूलों में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया और सभी बच्चों को इस दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर कई स्कूलों में प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं जिसमें बच्चों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए भारत में कार्यों को भी विस्तार पूर्वक बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी शिक्षकों का कहना था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश को एक नई रोशनी दी है, सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर काम किया, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। आज पूरा देश उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहा है। मैं कक्षा 11 C1 की छात्रा हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी पर कुछ बोलना चाहती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। ये प्रथम बार प्रधानमंत्री 16 मई 1996 को बने थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम बार भाषण दिया था। इन्होंने दिल्ली से लाहौर तक एक परियोजना चलाई थी जिसका नाम स्वर्णिम चतुर्थी।